राम मंदिर की 500 साल पुरानी आकांक्षा की पूर्ति होता देख पूरा देश राममय है। आज वो कांग्रेस भी राम नाम जप रही है जो कभी राम के होने के सबूत मांगा करती थी। ये भगवान राम का ही प्रताप है। सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले अपने स्तंभ पर लिखवाया था कि भारत में किसी धर्म विशेष या संप्रदाय का अहित नहीं होगा। श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन असल में सम्राट अशोक के 20 सदी पहले दिए गए वचन का ही पूरा होना है। राम है स्वनाम धन। प्रदेश राममय है, देश राममय है, पूरा विश्व राममय है। भारतवर्ष की संस्कृति का, हिंदुस्तान की सभ्यता का वैभव अपने शिखर पर है क्योंकि राम सबके हैं। अयोध्या नगरी राममय है, लोगों के हृदय में राम है, हर व्यक्ति की जबान पर राम है। राम अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, भव्य हैं, दिव्य हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। प्रभु की भद्रता अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही नए और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले भारतवर्ष की आधारशिला रखी जाएगी। राम साहस हैं, राम संगम हैं, राम संयम हैं, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं। उन्हीं राम की नगरी अयोध्या 500 वर्षों के इतिहास के पन्ने पलटकर एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है और ये सब स्वयं श्री राम की कृपा से संभव हुआ है। राम स्वनाम धन्य है और तमाम कष्टों को हरने के लिए राम का नाम ही पर्याप्त है, फिर ये सांसारिक कष्ट हो या सियासी। इसीलिए आज राम नाम उनकी जबान पर भी है जो कभी राम भक्तों से घबराया करते थे। राम ने ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से इतना विवश कर दिया है कि वो अब अपने राजनीतिक वनवास से मुक्ति के लिए राम के ही चरणों में लौट रहे हैं। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। श्री हरि के अनंत रूपों की तरह हरि कथा भी अनंत है। आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेशों को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। जय सियाराम। प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हीं नेहरू गांधी के खानदान से हैं जिन्हें सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने पर एतराज था। इससे उन्हें धर्मनिरपेक्षता को क्षति मालूम होती थी। प्रियंका उसी कांग्रेस की महासचिव हैं जिसके एक सांसद कुमार केतकर अभी भी राम को काल्पनिक मानते हैं। बहुत तरह के लोग विवाद खड़े करेंगे अभी, और इसमें 4-5 विवाद प्रमुख हैं। एक तो ये कि मुहूर्त हम जो है शुभ अशुभ मुहूर्त वाली बात छेड़ दी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल है यहाँ पर, कुछ ऐसे अपने आप को इतिहासकार बोलते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये रामायण और महाभारत एक काव्य तो है लेकिन एक उपन्यास जैसे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे या गुरुदत्त ने उपन्यास लिखे तो ऐसी कोई उपन्यास है। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई एक राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, दुनिया का कोई एक जिला तो बहुत दूर की बात है, कोई एक गांव बता दो जो 100, 200, 500, 1000, 5000 वर्षों से किसी संस्कृति, किसी सभ्यता, किसी विचार, किसी मान्यता, किसी परंपरा को मानता हो और वो किसी उपन्यास पर आधारित हो। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम राम और कृष्ण पर आधारित है। रामायण और महाभारत काव्य खाली उपन्यास कैसे हो सकते हैं? राम हमारा अस्तित्व है, राम हमारा व्यक्तित्व है, राम हमारी आस्था है, राम हमारे जीवन की मर्यादा है, राम हमारे सर्वस्व है। श्री राम भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं, ये तो जन जन की भावना है और अब उनकी राजनीतिक शक्ति का एहसास कांग्रेस को भी हो रहा है।
अयोध्या में भूमि पूजन के आयोजन से लंका जैसी दूरी पर खड़ी कांग्रेस अब राम धुन गाकर श्री राम को दूर से प्रणाम कर रही है। कुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम सीता राम, भजमन प्यारे सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये भजन महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन था। और कल जब राम जन्म भूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बधाई। त्रेतायुग में जन्मे राम का वनवास तो महज 14 बरस का था, मगर कलयुग में रघुनंदन का वनवास अगर 500 बरस लंबा खिंचा तो श्री राम के कष्ट की 5 सदियों में से 73 वर्षों के कष्ट के लिए कांग्रेस भी अपराधी है। मुझे लगता है कि बड़ा अलौकिक और अवर्णनीय क्षण है ये। 500 साल की प्रतीक्षा और करोड़ों लोगों की प्रतिज्ञा कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सोचिए तो सही, हम तो केवल घड़ियों को गिन रहे हैं, काल को गिन रहे हैं, मुहूर्त को गिन रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि जिन्होंने इस मुहूर्त के लिए, इस समय के लिए अपना जीवन, केवल हर सांस वो जी ही इसलिए रहे हैं। आप उनसे पूछिए, उनसे मत पूछिए कि जिन्हें मुहूर्त का भी पता नहीं है, उनसे मत पूछिए जिन्हें घड़ियों का भी पता नहीं है, जिन्हें अपनी घड़ी और अपने मुहूर्त का पता नहीं है। मैं तो चाहता हूं जिनका अपना वजूद नहीं है वो राम के वजूद पर क्या प्रश्न उठाएंगे। रघुनंदन के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आज राम के नाम के उत्सव से निष्कासित है। राम के कोप का भाजन बनी कांग्रेस राजपाट से वनवास झेल रही है। ऐसे में अब सियासत में सत्ता वाली संजीवनी पाने को बेताब कांग्रेस उन्हीं राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के चरणों में लौट रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ हनुमान के चरणों में शीश झुका कर बैठे हैं। जरा चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। कांग्रेस राजनीतिक मूर्छा से बाहर आने के लिए श्री राम भक्त हनुमान की संजीवनी का इस्तेमाल कर रही है, वो हनुमान जो खुद श्री राम के भक्त हैं। श्री राम अपने आप में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। संविधान कहता है कि भारत एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। सरकार का एक ही धर्म है, नागरिकों की सेवा। लेकिन सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का सिद्धांत। वहीं भारतवर्ष में धर्म की परिभाषा सदियों से बहुत व्यापक रही है। सनातन संस्कृति में राज भी है, धर्म भी है। राष्ट्र भी धर्म है, न्याय भी धर्म है, कर्तव्य भी धर्म है। हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही कर्तव्य का पर्याय रहा है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांतों में अगाध विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी खुद श्री राम मंदिर की प्रथम शिला रखने आ रहे हैं। ये सिर्फ राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं, ये सर्वधर्म संभाव की सनातन परंपरा की प्राण प्रतिष्ठा भी है। नए भारत की नई पीढ़ी को इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। राष्ट्र का ये मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां पराजय हुई। हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है। यहां रहने वाले लोगों के सामर्थ्य से बना है। ऐसे में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है।
आज से करीब 2200 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख में खुदवाया था, मेरे राज्य में किसी एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धर्म पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बिना किसी आधार के किसी की आस्था का अपमान नहीं होगा। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर को केवल हिंदुओं की काल्पनिक आस्था कहकर सदियों तक धुतकारा गया। भारत की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक राम के मंदिर को 500 वर्ष पहले जिस जगह पर ध्वस्त किया गया था, अब उसी स्थान पर श्री राम के मंदिर के रूप में भारत का नया सांस्कृतिक अवतार जन्म लेगा। इसीलिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में उन्हें भी न्योता दिया गया, जिन्होंने इस स्थान को राम का जन्म स्थान मानने की आस्था को न्यायिक चुनौती दी थी। क्योंकि सर्वधर्म संभाव ही हमारी संस्कृति है, इसीलिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भूमि पूजन के कार्यक्रम के पहले अतिथि बने हैं। अच्छा रहे कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ, और जो है अयोध्या के राजा हैं जो जितने भी ट्रस्टी हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए, इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को बेहद सीमित रखने की पूरी कोशिश की गई है और इस कार्यक्रम में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 170 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति के नए युग के इस आरंभ में अयोध्या के ही रहने वाले मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रित किया गया है। मोहम्मद शरीफ वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 3 दशकों में लावारिस 25,000 लाशों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का काम किया है। 1947 में सदियों की गुलामी के बाद जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो बहुत से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमारी सभ्यता और संस्कृति में प्रवेश पा चुके थे। हम भारत को भारतीय संस्कृति के नजरिए से नहीं पश्चिमी दृष्टिकोण से देखने के आदि हो चुके थे। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसकी प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द नहीं रखा था, लेकिन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत को सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। भारतीय राजनीति के सेक्युलर और सांप्रदायिक खांचों में बढ़ जाने का नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के सदियों की दास्ता से आजाद होने के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दुखद वनवास जारी रहा। जिस अयोध्या नगरी को भारतीय संस्कृति का केंद्र बनना चाहिए था वो उपेक्षा के शिकार रही। जिस राम मंदिर को सदियों पुरानी भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र बन जाना चाहिए था वो श्री राम की अवध वापसी का इंतजार करती रही। सच्चाई ये है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर राजनीति के कारण लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं जैसे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना तो ऐसे ही यहाँ का मंदिर भी बन जाना चाहिए। और सच्चाई ये है, देर नहीं करना चाहिए, और ज़रूरी है भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बने, और उसके लिए सब आप वाराणसी और मथुरा जन्मस्थली की बात कर रहे हैं साथ में। हाँ, भगवान शिव जी का काशी का और भगवान कृष्ण का मथुरा का, क्योंकि तीनों के पूजा करने वाले भारत में और विश्व में हैं। अयोध्या में भूमि पूजन के साथ श्री राम के उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा जो भारत की आने वाली पीढ़ियों का सांस्कृतिक मार्गदर्शन करेगा। हमारे ये मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ सहित देश के 12 ज्योतिर्लिंग हो, 4 धाम हो, या वीर शैव संप्रदाय के 5 महापीठ हो, शक्तिपीठ हो, ये दिव्य व्यवस्थाएं हैं। ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है। भारत के 125 करोड़ देशवासियों को यह अपेक्षा है कि अयोध्या में भूमि पूजन और उसके बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।